नंगा साला आया मेरे सामने से गंदी हो गई क्या चीज़ है। ऐसा बैठे रहते ऐसा बैठे रहते देखो ऐसा घर लेके बैठे रहते पीछे देखो तुम्हें करे तो करे क्या इंसान भाई अभी ऐसा ऐसा झुकते मार देते हर एक कोने में ऐसा बैठे क्या करे बताओ कुछ नहीं कर सकते। अब गाइज इस मैच में क्या होने वाला है ये तो आपको बखूबी पता चल चुका है कि कौन आ चुका है हमारी लॉबी में, बट उससे पहले इस वाले मैच को एंजॉय करता है। इसमें हमने चिकन डिनर मार रखा है और कितने किलो के साथ वो तो बस तुम देखो यहाँ पे। सामने से बंदा जैसे ही आता है फटाफट से इसको नॉक करता और उसके बाद बारी आती है तुम्हारे भाई के प्यारे से नेट की, बट इस बार ये नेट थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है और सामने वाला बंदा नॉक नहीं होता है। लेकिन मैं फटाफट से जाके सबसे पहले अपने नॉक वाले को फिनिश ले लेता हूँ। लेकिन अब बारी आती है जो बंदा बचा हुआ है उसके ऊपर रस करने की, और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि मेरा कोई भी टीममेट मेरे साथ नहीं है और मैं अकेला इनके ऊपर रस मारने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको फंसाने की ट्राई करता हूँ बट फाइनली रस करके मैं यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ और उसके बाद जो बंदा नीचे से आ रहा था उसका भी काम तमाम कर देते हैं। लेकिन अब बस मैं यहाँ पे रिलोड करके ड्रिंक मार रहा था लेकिन तभी सामने से फुल स्क्वाड जो की है सामने वाले घरों में आ जाती है। इस बंदे को डैमेज देने के बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहा था लेकिन अभी जो की हमारी मुश्किलें थी वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे कम नहीं होने वाली थी क्योंकि पूरी पोचिंग की में बंदे भरे पड़े थे। बट फिर भी मैं कदम से कदम मिला के आगे बढ़े जा रहा था क्योंकि मुझे चाहिए थे किल्स। बट अब यहाँ से मैं ट्राई करने वाला था एक नेट बट तभी मुझे सामने से फुटस्टेप आ जाता है ट्रिपल स्टोरी से, इसलिए मैं सबसे पहले पीछे निकल लेता हूँ। यहां से आने के बाद एक बार फिर से नेट ट्राई कर रहा था बट पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं मानता है और मैं यहां से भाग के फटाफट से इधर ब्रोकन वॉल पे आ जाता हूँ। बट अब यहां से जाएगा एक प्यारा सा नेड और देखो अभी क्या होता है। इस नेड से दो बंदे नॉक हो जाते हैं और अब जैसे मैं रस करता हूं इस बंदे को देखो टीपीपी एंगल को तो देखो भाई का, बट अब मैं जाके फटाफट से इनका फिनिश ले लेता हूं। इनको मारते मुझे साउंड आता है बंदों का। यहां पर मैं इन बंदों को तो इजी मार देता हूं, चार नंबर का एक काफी तगड़ा कवर आता है। लेकिन अब जैसे यहां से आगे जाता है ना तभी देखो हमारी क्या फाइट होने वाली है। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत बेसिक लूट जो कि अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आगे फाइट में मुझे काम आए। बट यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ एक मॉली डालता हूँ और देखो इससे क्या होता है। एक बंदे के नॉक होते मैं एक और नेट डाल देता हूँ लेकिन इससे वही बंदा फिनिश हो जाता है। यहाँ की फाइट में कुछ बचा नहीं था, जैसे मैं आगे आता हूँ मेरे सामने एक बंदा, वो बंदा भागे जा रहा था और मैं उसके पीछे उसको भगाया जा रहा था। लेकिन यहां पे मैं उसे एक भी गोली नहीं मार पाता बट अब मैं ओपन रस कर देता हूं और इस बंदे को यहां पे इजी टेक डाउन कर देते हैं। लेकिन मेन फाइट जो की है असली फाइट वो तो अभी यहां से शुरू हुई है क्योंकि अभी तुम्हें ऐसे नेट और ऐसे स्प्रे दिखने वाले हैं ना, बस तुम देखो एक बार। यहां से लूट वगैरह करके बस मैं इधर आया था तभी सामने ड्रॉप पे एक गाड़ी आ जाती है। मैं वेट करता हूं लेकिन मेरे टीममेट को कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है इसी कारण वो बंदे यहां पे जो कि बच जाते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि नेड करूं लेकिन वो बंदे जो कि गाड़ी लेके डायरेक्ट ब्लू हाउस में आ जाते हैं। मैं भी नेड के पिन खींचे हुए डायरेक्ट आगे जाता हूं और अब फुल बूम बम होने वाला है। ये रहा मेरा पहला नेड, इससे तो बंदा बच जाता है। लेकिन अब आ रही है दूसरे नेट की।
अनफॉर्चुनेटली इससे भी बंदा बच जाता है, लेकिन अब कोई भी बंदा नहीं बचने वाला है। एक बंदे के नॉक होती, मैं एक और नेट पिन करता हूं, लेकिन अभी देखो यहां पे क्या हो जाता है। ऑल डेड भाई, सारे बंदे खत्म। गाड़ी वाले भी बंदे कब आए कब गए कुछ पता नहीं चला। ऊपर वाली स्क्वाड भी ऑल डेड हो गई, बट ये बात मुझे अभी यहां पे नहीं पता थी। खत्म। यहाँ जो फाइट हुई है ना, ये फाइट तुम्हें कैसी लगी बताना मत भूलना, लाइक वगैरह कर देना जिसने भी नहीं कर रखा है। बट अब यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ी बहुत लूट कर रहा था, लेकिन तभी जो कि सामने से फायर आता है। मैं उस बंदे को थोड़ा बहुत मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन जब मुझसे कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन अभी सामने चर्च पे बंदे आ चुके थे। मेरे टीममेटों ने ऊपर दो बंदों को नॉक कर दिया, और अगर मुझे किल चाहिए था तो अंधा घुसना ही पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट दौड़े जा रहा था बिना किसी कवर के बिना कुछ। और इसका मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा भी मिलता है, जैसे मैं इधर आता हूँ तभी। इस बंदे को मारने के बाद मेरे यहाँ पे टोटल 15 किल हो चुके थे। बट अब यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट वगैरह करके मैं स्क्वाड हाउस के ऊपर अंधा रस कर देता हूँ, जहां पे कि मुझे कुछ बंदे नजर आ रहे थे। और अब बस तुम ये देखो, जैसे मैं इधर आता हूं तभी टीममेट के ऊपर एक बंदा था, उसको मैं नॉक कर देता और अपने टीममेट को गाड़ी लेके मेरे पास बुलाता हूं, ताकि हम जो कि स्क्वाड हाउस पे रस मार सके, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपन फंसा पड़ा था। टीममेट की एक गलती, मैंने उसको ड्राइव करने के लिए बोला बट वो ड्राइविंग दे देता है मुझे। लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे सेफली जो कि पहुंच जाते हैं। और अब बारी आती है मेरे नेट्स की। मैं तो तुम्हें एक सजेशन दूंगा भाई, अपने पास नेट्स ना भर के रखा करो, 4-5 नेट तो होने ही चाहिए, जिससे कि तुम एडवांटेज पहले ही ले लो। ये नेट तो बकवास चला जाता है, बट मैं यहाँ पे साउंड सेंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए दूसरा नेट। इससे बंदा सिर्फ डैमेज ही होता है। बट अब बारी आती है प्रॉपर साउंड सेंस के साथ एक प्योर से नेड की, जो कि अब यहाँ पे आने वाला है। एक बंदे के नॉक होती, मैं रस करता हूं। ये ग्लिच किसके किसके साथ होता है बताना मत भूलना। और अब चलते हैं दूसरे गेम की तरफ। ये वो मैच रहता है जिसमें कि लॉल्ज गेमिंग हमारे मैच में आया रहता है। मेरी लैंडिंग हो रही होती है पोचिंग की, और अब आगे तुम खुद ही देख लो। मतलब कि इस वाले फ्लोर पे भी गन ही नहीं है, इसीलिए मैं आगे जंप कर देता हूँ। यहां पर मैंने डैमेज तो दिया, बट मेरी एमओ जो की है खत्म हो चुकी थी। और लॉल्ज भाई, यहां पे मैं पिट जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट के कारनामे देखो। वो लॉल्ज को तो नॉक फिनिश कर देता है, लेकिन उन लॉल्ज भाई की टीम ने मेरी पूरी टीम को कुत्ते के जैसे मार दिया था। बट इतना इजी मारा है ना मेरी टीम को कि मैं यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकता, और ना ही तो मेरे पास कुछ शब्द है। लेकिन अब बारी आती है रिवेंज लेने की, और मैं यहाँ पे आ चुका था। पीछे से बंदे आ रहे थे, एक को नॉक करा, दूसरा बंदा आ रहा था, इसको नॉक करने के बाद मैं समझ जाता हूं कि अब मुझे आगे जाना ही पड़ेगा। तभी मुझे सामने दिख जाते हैं टीटू भाई। अभी मैंने इस जो बंदे को नॉक कराया ना, ये वही बंदा था जिसने लॉल्ज को मारा था कैंप करके। तो यहां पे लॉल्ज का भी रिवेंज कहीं ना कहीं मैंने ही कंप्लीट करा है। बट अब मैं ऊपर भागता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर एक बंदे का रस आ रहा था। मैं यहाँ पे प्योर फाइट नहीं ले सकता था, या फिर मुझे डरता है, इसलिए मैं यहाँ पे पीछे कूद जाता हूँ और अपने एक सेफ जोन की साइड जो कि मैं अपना प्रस्थान करता हूँ, ताकि मैं एक अच्छी जगह पे इजी बंदे को मार पाऊँ। वॉल्फ के अंदर तो कुछ ज्यादा ही जोश था भाई, इनको मारने के बाद। ये लॉन्च का पीओवी एक बार तुम एंजॉय करो।
इस मैजिशियन नाम के बंदे ने दो बंदे तो इनके गिरा ही दिए थे, और अगर मैं उसको पीछे से नहीं मारता ना तो मैं भी वही यहाँ पे स्क्वाड वाइप कर जाता। बट इनका कॉन्फिडेंस देखो भाई, ये बोलते हैं कि जाके मार के आ, तो इजी थोड़ी है ना मेरी जान। और अभी जो लास्ट में लॉन्च का रिएक्शन आने वाला है ना, वो तो बस तुम देख के जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे। यहाँ तो ये मैच एग्जिट कर देता है, बट अब ये देखो भाई, अभी ऐसा बैठे रहते।